कितने साल की उम्र है आपकी? कितने साल की हो? हम 80 पार कर रहे हैं। 80 पार कर चुके हो। ये देखिए, ये इनका साइज है किचन का, सारे मसाले वगैरह यहीं पे बनाते हैं सब कुछ। ये देखिए गाइस, सुबह से कितनी कमाई करी है आपने? सुबह से दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा अच्छा गाइस, ये देखिए बस यही है। वेलकम टू यम यम इंडिया गाइस। सो आज हम आ गए बाबा का ढाबा पे, जो कि ये मालवीय नगर में है। ये आपको जो अगर आना हो यहाँ पर, तो ये हनुमान मंदिर के जस्ट सामने। तो जानते हैं अंकल जी से। अंकल जी क्या नाम है आपका? कितना टाइम हो गया आपको ये शॉप लगाए हुए? 1988 से आप यहाँ पे इस रोड पे लगा रहे हैं। बनवाते हैं इनकी थाली। ये देखिए प्राइस देखिए, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। एक रोटी 5 रुपए, सब्जी 30 रुपए, दाल 30 रुपए हाफ, और मटर पनीर है जो कि आज यहाँ पे हर सीजनल वाइज अलग अलग सब्जी बनती है हर दिन। और आंटी आपका नाम क्या है? बदामी देवी। सो गाइज यहाँ पे आइए और ट्राई करें। सब यहाँ आ जाते हैं 6:30 बजे, आप यहाँ आ जाते हैं और 9 बजे हमारा परोठा चालू जाता है। 9:30 बजे 9:30 बजे शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके बनाते हो या खाना बना के लाते हो? यहीं पे आके बनाते हो? अच्छा, यहाँ बना करके हमारे पानी सब कुछ हमारे यहाँ पर है। अच्छा, पानी सब कुछ आपके यहाँ पर है। ठीक 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 ठीक, तो हमारी लगा दीजिए आंटी जी रोटी। ये देखिए बना रहे हैं। कितने साल की उम्र है आपकी? कितने साल की हो? हम 80 पार कर रहे हैं। 80 पार कर चुके हो। और आंटी आपकी? वही है, बराबर ही आसपास। हमारा जो है 1940 में जन्म हुआ। 1940 में जन्म हुआ था आपका? तो भाई 1940 से जन्म हुआ है अंकल जी का। तो गाइज आप भी यहाँ पे आइए, अंकल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस उम्र में भी देखिए आप कैसे आंटी जी बना रही हैं। देखिए एक और रोटी हमारी लगा रही हैं। तो आप आइए और यहाँ पर इनको पूरा हेल्प करिए। और यहाँ पे देखिए कैसे आंटी जी ने रोटी एकदम हमारी सेक दी है बढ़िया से। और अंकल जी ने बहुत मेहनत करके ये दुकान बनाई है। और इतनी उम्र हो गई अंकल, 1940 की में पैदा हुए थे ये, और अब 2020 चल रहा है गाइस। उसी हिसाब से आप लगा लो 80 प्लस हो गए अंकल जी, तो अब तक काम कर रहे हैं। ये देखिए आंटी जी ने पूरी एकदम हमारी रोटी एकदम फुली सेक दिया। इस उम्र में देखिए आप कैसे बना रहे हैं, एकदम घर का बना खाना फ्रेश बनता है यहाँ पर सब कुछ। हमने मंगाइए 2 रोटी और थाली हमारी अंकल जी लगा रहे हैं। देखिए इस अंकल जी ने चावल डाल दिए, ये डल गए हैं चावल। ये दाल अंकल जी आपकी, ये दिखाना दाल हमारे दर्शकों को भी। ये है दाल गाइस। ये देखिए गाइस आलू बैंगन की सब्जी है ये। हमारी थाली, अच्छा दशहरा के बाद रात को भी लगाओगे? ये हमारी लग गई है रोड, थाली तैयार हो गई है। ये देखिए अचार भी है। कौन सा आंटी जी, ये भी आप खुद बनाते हो? ये देखिए ये मिर्च का अचार है। यहाँ आंटी जी सब कुछ बढ़िया चीजें बना के बेचती हैं एकदम ही। ये देखिए ये हमारी लग रही है थाली, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थाली है। ये हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई, एक पैक हमारी बन चुकी है। तो भाई देख सकते हैं कितनी जगह, देखिए एकदम बहुत छोटी सी जगह में अंकल आंटी बनाते हैं। ये देखिए ये इनका साइज है किचन का, सारे मसाले वगैरह यहीं पर बनाते हैं सब कुछ। ये देखिए गाइस ये हमारी रोटी सीखी रही है। और ये देखिए गाइस कितनी सी जगह में ये लोग बना रहे हैं। तो आप आइए और ट्राई करिए, हमारी रोटी अंकल जी ने बना दी है। तो मैं अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये हमारी थाली तैयार हो गई है, आइए आप भी अंकल जी को हेल्प करिए। ये मैं ले लिया दाल चावल, और ये ले लिया रोटी के साथ एक ले लिया। ये देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया एकदम लाजवाब स्वाद है, मसाले बहुत अच्छे ले हुए हैं और आलू बैंगन में। देखिए अंकल आज सुबह से कितनी कमाई करी है आपने? सुबह से दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा भाई जी, देखिए बस यही है। तो आप भी आइए और मदद करिए, खा के जाइए, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। सो आइए और ट्राई करें और खाएं जरूर।